जालंधर में आज कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने पीएम मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस रोष प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नवजोत दहिया ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही कांग्रेस को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अपने मौजूदा शासन काल में सरकार ने आम जनता को लूटा है। सरकार ने GST लगाकर व्यापारी वर्ग से भी धक्का किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के अपने वर्कर भी चाइनीज सामान के विक्रेता हैं। डॉक्टर दहिया ने कहा कि अगर सरकार ने चीन के सामान पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है तो वह भाजपा वर्करों के भी चीनी सामान की डीलरशिप कैंसिल करे। आज साढ़े सारे काउंसिलर साहबान साडे वर्कर साहबाना ने अज रल के इतने धरना दिता है। ये धरना जिहड़ा है ये मोदी की सरकार के खिलाफ है। इस धरने के असी ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जिहड़ा मोदी का शासन है सब तो वड्डा झूठ का शासन है। इसने लोगों को लुट लिया। ईवन के जिहड़ी सबसिडी वाला सिलेंडर है 18 करोड़ बंदियां तो 75-75 रुपए रेट वधाता, डीजल पेट्रोल ते इन्नी महंगाई करती। उस तो बिना GST दे विच पंजाब दे नाल जो मित्रेई मां वाला सलूक किया जा रहा है, क्योंकि जिन्ना भी समान है पंजाब दे विच बढ़ के बाहरों आता है तो वह GST का जिहड़ा पैसा है वह गुजरात दिल्ली और बेंगलौर के खातियां च जमा हो रहा है। तो साढ़े क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग नहीं होंगी, इस करके साडा जिहड़ा यह टैक्स है वह भी दूजिया स्टेटां नूं दिता जा रहा है। इन्हां दी जिहड़ी जिन्नियां भी पॉलिसियां है जिहड़ी चाइना की गल करते हैं, जिन्हें BJP के सीनियर वर्कर है उही चाइना के मोबाइलों के डीलर है अपने शहर च ही देख लियो। तो मैं ये कहना चाहना कि जो इन्ने वचनबद्ध ने यह सांपला जी ये डीलरशिपा कैंसल करन ता जो ये चाइना का माल ना आए, जे इन्ने गंभीर है ये चाइना के नाल जिहड़ी है व्यापार की संधि तोड़ देन, ये लोगों को गुमराह क्यों करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।